हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपनी सिस्टर के घर, तो मैं आज आपको ले चलती हूँ अपने साथ अपनी सिस्टर के घर। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए हम अपने नियरेस्ट बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ का नाम है डड़ी। अब यहाँ से हम ततार के लिए जाएंगे। अभी हम ततार क्रॉस कर चुके हैं और हम यहाँ पे सरका घाट कॉलेज से गुजर रहे हैं। तो देखिए हमारा सरका घाट का कॉलेज कितना ही खूबसूरत और कितना प्यारा है। हेलो गाइस, तो देखिए मैं अभी पहुँच चुकी हूँ अपनी दीदी के घर और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी अपनी दीदी से। ये है मेरी दीदी और ये है मेरे जीजा जी। मेरी दीदी का नाम है माया देवी और जीजा जी का नाम है लश्करी राम उर्फ हल्कू। ये पंचायत में उप प्रधान है और मेरी दीदी आशा वर्कर है परसद्दा में। ये परसद्दा हवानी गांव के हैं। देखिए गाइस, अब हम करते हैं हल्का फुल्का एक नाश्ता समोसा के साथ और कोल्ड ड्रिंक। वाओ, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। देखिए गाइस, ये भी तैयार हो गया है हमारा लंच। ये बनाया है मीठा। देखिए किस का मीठा है? नाशपाती। नाशपाती का मीठा है। और ये क्या बनाया हुआ है? आलू बड़ी है। ये है आलू बड़ी। आलू बड़ी और नाशपाती का मीठा, चावल और अचार भी है। तो गाइस, अभी करते हैं हम लंच। बहुत ही प्यारा और यम्मी सा लंच करेंगे हम अभी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, देखो हम पहुंच चुके हैं दीदी के खेतों में। देखो दीदी मुझे कहाँ लेके आ गई। देखो ये देखो, फ्री का नहीं खिलाना चाहते ना आजकल। ये देखो, एक खेत है धान का और इसमें क्या करेंगे? नदाई। नदाई करेंगे। तो मैं देखो गाइस, ये है धान का खेत और इसमें हम करेंगे नदाई, बोलते हैं इसको नदाई। जैसे कि जैसे ये देखो, ये खरपतवार है, इसको उठाएंगे हम, इसको उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे और इस तरह से
जो भी खरपतवार है उसको उठाएंगे और खेतों को बिल्कुल साफ करेंगे, फिर बहुत अच्छी धान होगे हमारे। तो चलिए गाइस करते हैं धान की नदाई। ये देखिए गाइस, नदाई करने के बाद हमारा खेत कैसा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। और गाइस हमारे फेस कैसे दिख रहे हैं, हाय लाल हो गए, बुरा हाल हो गया, लाल हो गए। बहुत ही गर्मी है भयानक वाली। और हमने ये खेत पूरा कर दिया है, अभी आपके सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत गर्मी है और धूप से जल रहे हैं जैसे। देखो गाइस कितना प्यारा है ये रोपा, रोपा बोलते हैं हमारे यहाँ जो इस तरह के खेत होते हैं, एक खेत के साथ ऐसे और प्लेन एरिया हल्का सा, इसे कहते हैं रोपा। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट खेत, अरे देखते हैं कहाँ है, बहुत दूर है कहीं पे। देखो मक्की के खेत हैं और देखो कहीं पे अरबी बीजी हुई है, ये है अरबी, कहीं कहीं पे बहुत अच्छी अरबी हुई है। और सच में गाइस आज इतनी गर्मी है ना भयानक वाली, मेरे को तो लग रहा है चक्कर ही आ जाएगा। और देखो मेरी बहन कैसे बैठ गई है, हाय खेत की हालात देख के, क्या हुआ चक्कर आ रहा है, हाय गर्मी के मारे ना बुरा हाल है। और देखो ये हाल हाल देखो, हाँ इसमें तो है ही नहीं अभी, बहुत अभी है नहीं ज़रूरत इसमें, इस वाले खेत में, खेत में बहुत कम धान हुए हैं और इस साइड को तो बिल्कुल ही खाली हो चुका है ये। तो अभी दिए गए हैं ऊपर वाले खेत में धान लेने के लिए और हम लगाएंगे फिर इसमें धान। और ये जब हरा भरा हो जाएगा ना धान से, तब बताऊंगी मैं कितना प्यारा हो जाएगा, फिर सुंदर बना के जाएंगे इस खेत को, बहुत प्यारा। कुछ तो बना दिया हमने इस खेत को, थोड़े थोड़े धान लगा लिए और अब चलते हैं हम आगे वाले खेत को। कि मेरी बहना का फेस कैसे हुआ है, बिल्कुल लाल, टमाटर टमाटर की तरह हो गया है। हम खेतों में काम कर रहे थे, उतने में इतनी बारिश आई कि हमें काम छोड़ के वापस आना पड़ा। ये देखो छत से पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी दिन को और अभी उतनी ही बारिश, भगवान हमें काम ही नहीं करने दे रहे थे इतना ज़्यादा। देखो गर्मी से बहुत बुरा हाल है और अभी बारिश एकदम से आई और हमें वापस आना पड़ा। अभी हम फिर से पहुंच गए घर। अभी मैं जा रही हूँ दीदी के घर से वापस और देखिए दीदी ने मेरे लिए कितना सारा सामान रखा था। ये है शुद्ध हनी, किसका है दीदी? मधुमक्खी का, मधुमक्खियों का, हाँ ये मधुमक्खियों का शुद्ध हनी है। और ये मेरे बेटे के लिए रखा था स्पेशल। और देखो दीदी ने और कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है मेरे लिए, ये रखो मेरे फील्ड जाने के लिए पर्स। यहाँ पे एक बहुत ही मेल अच्छा मेला होता है तो मैंने दीदी को बोला था मेरे लिए वहाँ से कुछ लेके रखें, तो ये देखो पर्स लेके रखा हुआ है। और ये एक और चीज़ है सूट, कपड़े का सूट। क्या हुआ देखो कैसे कर रही है, मैं इनको मना कर रही हूँ फिर भी मुझे ज़बरदस्ती दे रहे हैं कि लेके जाओ है ना, अच्छा नहीं लगता ना। एक तो घर में आई हूँ, मेहमान चारी भी कर रही हूँ, तैयार हो गई हूँ और दीदी मुझे छोड़ने जा रही है स्कूटी तक। ठीक है गाइस तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर
और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।